नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर। आज यमुना विकास प्राधिकरण के सेक्टर 24 की मौके की पड़ताल हम आज आपको दिखा रहे हैं। यमुना विकास प्राधिकरण के एक बड़े सेक्टर, इस सेक्टर में देसी विदेशी दो कंपनियों को सैकड़ों एकड़ जमीन यमुना विकास प्राधिकरण ने उद्योगों के लिए आवंटित की है। कई वर्ष बीत गए, ये कंपनियां स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही हैं। क्या कहते हैं गांव के युवा किसान और ग्रामीण, क्या है इस सेक्टर की मौके की पड़ताल, आइए देखें पूरी रिपोर्ट। यह यमुना विकास प्राधिकरण का सेक्टर 24 है। यमुना एक्सप्रेसवे के समीप का यह सेक्टर है। इस सेक्टर में पतंजलि फूड पार्क और विदेशी चाइनीज कंपनी के लिए वर्षों पूर्व उद्योगों के लिए जमीन आवंटित की गई थी। यह सेक्टर 24 की पड़ताल आप देख रहे हैं। आसपास की सड़कें बन चुकी हैं, नाले सीवर का काम भी पूरा हो चुका है, जगह जगह खंभे टूटे पड़े हैं, यह बात अलग है, लेकिन इस सेक्टर में काफ़ी काम हो चुका है। दूसरी तरफ यमुना एक्सप्रेसवे के पार फिल्म सिटी का क्षेत्र है। यह आप जो बड़े बड़े टावर देख रहे हैं, यह ETS के टावर हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के समीप का यह क्षेत्र है। सड़कें बन चुकी हैं, ग्रीनरी का काम भी पूरा हो चुका है और मरम्मत आदि का कार्य भी चल रहा है। स्ट्रीट और रोड लाइट भी यहाँ लगी हुई हैं, फेसिंग भी हो रखी है। यह बाबा रामदेव के पतंजलि फूड पार्क का ऑफिस आप देख रहे हैं। इस ऑफिस में आजकल कामकाज चल रहा है, नाले भरे ही अटे पड़े हों, लेकिन कामकाज तेजी से यहाँ चल रहा है। यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा भी काम कर हो रहा है और निजी कंपनियों द्वारा भी यहाँ अपना कंस्ट्रक्शन वर्क कराया जा रहा है। बाबा रामदेव की यहाँ जमीन, सैकड़ों एकड़ जमीन यमुना विकास प्राधिकरण से मिली हुई है पतंजलि फूड पार्क के लिए। यह पतंजलि फूड पार्क का ऑफिस है। पतंजलि फूड पार्क के लिए जो जमीन मिली थी उसमें आजकल खेती हो रही है, ये आप देख रहे हैं, सरसों की खेती हो रही है। आजकल इस जमीन पर, जो जमीन फूड पार्क के लिए ली गई थी, उस जमीन पर खेती हो रही है। इस जमीन की पतंजलि फूड पार्क कंपनी द्वारा चारों तरफ से बाउंड्री की गई है। लगभग 450 एकड़ से अधिक जमीन यमुना विकास प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर पतंजलि फूड पार्क कंपनी को दी थी। आप देख सकते हैं आजकल इस जमीन में खेती हो रही है। पतंजलि फूड पार्क अभी उद्योग नहीं लगा पाया है। स्थानीय युवा और ग्रामीण भी काफ़ी दिन से इस जमीन पर अधिग्रहण होने से पूर्व खेती ही करते थे, आजकल भी इस जमीन पर खेती ही हो रही है। स्थानीय युवाओं, ग्रामीणों और किसानों का तर्क है कि जब खेती ही इस जमीन पर होनी थी तो किसानों से इस जमीन का अधिग्रहण क्यों किया गया। किसानों और स्थानीय युवाओं को यहाँ उद्योग लगने से रोजगार की जो उम्मीद थी वह पूरी नहीं हो सकी है। आगे हम आपको बात कराएंगे गांव के युवा किसान और ग्रामीण क्या कहते हैं, इन कंपनियों के आने के बावजूद भी यहां के लोगों को रोजगार नहीं मिला है। यह पतंजलि फूड पार्क की बाउंड्री है, चारों तरफ से कवर्ड बाउंड्री है और इस बाउंड्री के बीच में खेती का काम हो रहा है। आप देख सकते हैं यह सड़कें बनी हुई हैं। इस सेक्टर में पहुंचने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे के सलारपुर अंडरपास से अजनारा होते हुए सीधे सड़क जाती है सेक्टर 24 को। बीच में बड़ी सड़क का काम कुछ रुका हुआ है, लेकिन आप आसानी से इस सेक्टर में पहुंच सकते हैं। यह जो आप खेती देख रहे हैं इस जमीन पर, यह कवर्ड बाउंड्री के अंदर यह खेती हो रही है, पतंजलि फूड पार्क की जमीन है। ग्रामीण किसानों को इस बात का मलाल है कि उनकी जमीन पर खेती का काम तो वह स्वयं ही कर रहे थे, उन्होंने तो जमीन उद्योगों के लिए दी थी, लेकिन इस जमीन पर जिनको जमीन आवंटित हुई है वह कंपनियां उद्योग नहीं लगा सकी हैं। इस कारण क्षेत्र के ग्रामीणों युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। यह तो पतंजलि फूड पार्क की स्थिति थी। अब हम आपको आगे दिखा रहे हैं एक विदेशी चाइनीज कंपनी की साइट का हाल। वहां भी स्थानीय युवकों को रोजगार नहीं मिलने की शिकायत स्थानीय गाँव के युवक और ग्रामीण कर रहे हैं। अभी यह जो आप वीडियो देख रहे हैं पतंजलि फूड पार्क का ही है। अब हम आपको विदेशी चाइनीज कंपनी की साइट दिखा रहे हैं। यह साइट विदेशी चाइनीज मोबाइल कंपनी की साइट है।
इस पर भी दिन रात काम चल रहा है। काफी लोगों को इसमें रोजगार भी मिला है, लेकिन स्थानीय युवाओं की शिकायत है कि स्थानीय युवाओं को इस कंपनी में नौकरी के लिए नहीं लिया जा रहा। हमने इन दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों से संपर्क साधने का प्रयास किया। इस संबंध में इन कंपनियों के प्रतिनिधियों से वार्ता नहीं हो सकी है। यदि भविष्य में इनका पक्ष हमें मिला तो हम अवश्य आपको अवगत कराएंगे। अब इस संबंध में स्थानीय युवक, ग्रामीण और किसान क्या कहते हैं, आइए आप भी सुने। जी भाई जी, क्या नाम है आपका, कौन सा गांव है आपका? जी मेरा नाम जेपी, गांव कादरपुर से हूं मैं। अच्छा जेपी भाई, बताइए कि आपके पीछे जो एक कंपनी है, किस कंपनी, कौन सी कंपनी लग रही है? ये कंपनी पतंजलि फूड पार्क। अच्छा, तो यहाँ क्या, कब से ये काम चल रहा है, कुछ लाभ मिला है क्षेत्र के लोगों को, गांव के युवाओं को, कुछ इससे फायदा हुआ है? इससे कुछ फायदा नहीं हुआ है जी। क्यों नहीं, कैसे काम तो चल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ बिल्डिंग बन रही है और बहुत सारा काम काज चल रहा है। नहीं, इसमें कोई बिल्डिंग नहीं है, इसमें किसानों की तरह फसल उगाई जा रही है। अच्छा, गांव के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा? नहीं नहीं, कोई रोजगार नहीं इसमें। पास में वीवो जो कंपनी लग रही है, उससे कुछ लाभ मिला है गांव के लोगों को? उसमें लाभ उसमें भी नहीं मिला है, उसमें इतना है कि लोकल बंदे नहीं ले रहे, वैसे उसमें काम जारी है, चल रहा है उसमें। हाँ, अच्छा चल रहा काम। अच्छा, तो इस कंपनी के यहाँ लगने से गांव के युवाओं को कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। जी भाई, क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव, कौन सा गांव है आपका? कादलपुर। अच्छा, कादलपुर के रहने वाले हैं आप भी जी। तो आप यहाँ ये जो कंपनियां लग रही हैं, इससे कुछ आपके लाभ मिल रहा है, गांव के लोगों को कुछ रोजगार मिल रहा है, कुछ काम धंधा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं जी, कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं जी। क्या चाहते हैं आप लोग? रोजगार मिले जी। अच्छा, तो कंपनियों से रोजगार नहीं मिल रहा है? नहीं जी। वीवो कंपनी में बहुत सारा काम काज हो रहा है, लेकिन वहाँ भी कोई काम नहीं मिल रहा आपको? नहीं, वहाँ पर लोकल भर्ती नहीं है जी, काम चल रहा है उसका। काम चल रहा है, लोकल भर्ती नहीं है। और ये बाबा रामदेव का जो प्लान चल रहा है फूड पार्क के नाम से, ये बड़ी जमीन यहाँ अधिग्रहित हुई है, इससे कोई लाभ मिल रहा है आप लोगों को? नहीं, इसमें तो फसल उगाई जा रही किसानों को। क्या नाम है तुम्हारा? संदीप जी। संदीप, किस गांव के रहने वाले हो? कादलपुर। अच्छा, तो ये बहुत सारी कंपनियां यहाँ आपके गांव के पास बन रही हैं, तो कोई लाभ मिल रहा है, कोई रोजगार वगैरह मिला है तुम्हें तब से? नहीं मिल रहा जी कुछ भी। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है तुमने? 10वीं तक जी। अच्छा, कोई काम काज नहीं मिल रहा है जी? नहीं। अच्छा, पास में कोई कुछ कंपनियां बन रही हैं, इनसे भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है? कोई लाभ नहीं जमीन से। तो तुम्हारी जमीन गई है इस गांव यहाँ इस काम की फैक्ट्री के? जी, हमारी जमीन गई है इसमें। कितनी जमीन गई तुम्हारी? हमारी कम से कम ये 11 बीघे करीब। 11 बीघे जमीन गई है। कोई नौकरी रोजगार नहीं मिला अभी तक? नहीं मिला। जी भाई, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अशोक है। अशोक, कौन से गांव के रहने वाले हैं अशोक जी? कादलपुर से रहने वाला हूं, कादलपुर गांव से। अच्छा, तो आप कहां तक पढ़े लिखे हैं अशोक भाई? सर मैंने डबल ग्रेजुएट कर रखी है। अच्छा जी सर, तो आपकी जमीन भी यहाँ इन जो कंपनी बन रही है सेक्टर 24 में? जी सर। तो आपकी जमीन भी गई है इस सेक्टर 24 में? जी सर, इसमें गई है, जो पतंजलि फूड पार्क लगा है हमारे यहाँ पे, ये सर हमारी खेतों पे बना है, इसमें 35 बीघा जमीन गई है। 35 बीघा जमीन गई है जी सर। तो आपको कोई रोजगार वगैरह इससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं सर, रोजगार तो पहली बात तो सर अभी रोजगार यहाँ पे है ही नहीं जी, क्योंकि सर इन्होंने क्या किया, पतंजलि की बाउंड्री कर दी है, और ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने ऑफिस बना दिया है जी। बाकी उसमें सर जैसे हम लोग खेती करते थे किसान लोग, ऐसी सर ये लोग खेती कर रहे हैं। जब तो हमसे ली थी सर खेत, ये जो जमीन ली थी, इन लोगों ने बोला था कि अच्छा रोजगार मिलेगा लोग बागों को, और यहाँ पे ये होगा वो होगा, लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं हुआ, खुद ये लोग भी मतलब खेती कर रहे हैं सर। अच्छा, ये लोग क्या खेती कर रहे हैं इसमें आजकल? सर इसमें लहटा वो रखा है अभी। अच्छा हाँ सर। अच्छा, आप लोग भी क्या खेती करते थे इस जमीन पर? सर हम भी वही खेती करते थे, जैसे कि लहटा हो गया सर, गेहूँ है, धान है, ये सब हम करते थे। अच्छा अच्छा, तो इस जमीन का अधिग्रहण होने के बाद भी फूड पार्क के लिए जो जमीन आपके गांव की ली गई है, आपकी जमीन ली गई है, तो आपको इससे कोई लाभ या क्षेत्र के लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है? सर कोई लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि काम ही नहीं है सर, ऐसा वही खेती है, तो वो जो बाबा रामदेव जी ने जो ली है तो वही करा रही सर इसमें खेती। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? हम सर ये चाहते हैं, हमसे जो जैसे ली गई थी, मान लो और पास के क्षेत्र का नाम होगा, रोजगार मिलेगा लोग बागों को, रोजगार मिलना चाहिए सर। खेती तो सर हम लोग ही कर लेते थे, तो अगर खेती होनी थी तो। और बाकी सर यहाँ पे हमारे पास में एक वीवो कंपनी भी है, उसमें अभी बस कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, काफी दिन हो गए सर उसको भी, तो उसमें लोकल के बंदों को नहीं लेते हैं सर। अच्छा, आप कभी गए हैं, ट्राई किया है आपने वहाँ जाने का? जी सर, मैं कई बार गया हूँ। अच्छा, वहाँ रोजगार नहीं मिला? रोजगार नहीं देते सर। तो गाँव के बाकी लोगों की भी हालत यही होगी? यही है सर, गाँव के बहुत सारे लोग जो जिनकी जमीन चली गई है वो बेरोजगार है जी सर। पहले तो सर हम अपना खेती बाड़ी भी कर लेते थे, हमारे पास थी, तो अब तो सर वो भी नहीं रही है, क्योंकि इन लोगों ने ले लिया सब, तो सर हम वो भी नहीं कर सकते, अब तो हम सब बेरोजगार है। क्या नाम भाई तुम्हारा? विकास। विकास, किस गांव के रहने वाले हो? कादलपुर। अच्छा, कहाँ तक पढ़े, पढ़ाई लिखाई की है कुछ तुमने? जी। कितना पढ़े हो? 10वीं तक। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे पास जमीन थी पहले? हाँ जी। तो तुम्हारी जमीन भी गई है इस फूड पार्क में? जी। कितनी जमीन गई है? 8-9 बीघे। अच्छा, कोई रोजगार वगैरह मिला है तब से जमीन गई है, कोई काम ना, ना जी ना। अच्छा, तो आप लोग चाहते क्या है? रोजगार मिले। अच्छा, लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा है जी, तो गाँव के बाकी लोगों की हालत यही होगी तुम्हारी जैसी? जी हाँ जी। तो आप लोगों, आपके पास खेती के लायक जमीन भी नहीं बची होगी? नहीं।
जी भाई, क्या नाम है तुम्हारा? अनिल। अनिल किस गांव के रहने वाले हो? कादलपुर। अच्छा, तो अनिल जी, तुम्हारी जो जमीन भी यहाँ ये जो फूड पार्क बना है इसके लिए गई है कि नहीं? गई गई है। 32 बीघे। 32 बीघे जमीन गई तुम्हारी? हाँ जी। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है तुमने? 8वीं तक। अच्छा, अब क्या काम धंधा कर रहे हैं आप लोग? कोई अपनी मजदूरी चल रही है। अच्छा, खेती जो चली गई है तो कोई काम काज और कोई रोजगार नहीं मिला है तुम्हें मजदूरी का? नहीं मिल पाया अभी तक। आसपास के लोगों की हालत कैसी है? सब एक जैसी है। गांव में कितने लोग रहते हैं? कितनी आबादी तुम्हारे गांव की? हमारे गांव में 1600 होगी कम से कम। अच्छा, तुम्हारे गांव की जमीन ज्यादा गई है इस फूड पार्क में? हाँ, 32 बीघे गई है हमारे। अच्छा अच्छा, क्या लोग आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं रोजगार मिले, सबका भला हो जाए। 10-11 साल पहले यमुना 30 ने किसानों से जमीन ली थी और वो जमीन फिर पतंजलि को दे दी गई थी, 650 एकड़ जमीन। और सेक्टर 24 के आसपास की जो भी जमीन है वो सारी अभी ऐसी पड़ी है। यहाँ पर ना तो कोई कंपनी लगी है और ना ही कुछ डेवलपमेंट हुआ है। और यहाँ पर अब पतंजलि ने 650 एकड़ जमीन पूरी एक बाउंड्री से कवर कर ली गई है और उसमें अब उन्होंने खेती उगाना स्टार्ट कर दिया है। अगर वो खेती उगाना चाहते थे तो किसानों से जमीन क्यों ली? स्थानीय ग्रामीणों और युवाओं को रोजगार के संबंध में किसान एकता संघ ने भी धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। आइए क्या कहते हैं किसान एकता संघ के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी। विकास प्राधिकरण के अधिकारियों व राज्य सरकार के अधिकारियों को अवगत कराना चाहता हूं कि जो उद्योगों के नाम पर जो जमीन किसान से आपने ली थी, बड़ी कंपनियों को दी थी, क्षेत्रीय युवाओं को आज थी, उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में बड़े उद्योग या कंपनी विस्थापित होने से क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, लेकिन किसान से जमीन छीनकर बाबा रामदेव को जो दी थी, बाबा रामदेव ने चार दीवारी कर उसमें खेती का कार्य स्वयं शुरू कर दिया है। क्षेत्रीय युवाओं को कंपनियों में कोई रोजगार नहीं मिल रहा। अगर यमुना विकास प्राधिकरण ने क्षेत्रीय युवाओं के रोजगार को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो किसान एकता संघ आने वाले दिनों में रोजगार को लेकर बहुत बड़ा एक धरना प्रदर्शन करेगी। तो दोस्तों, ये थी यमुना विकास प्राधिकरण के सेक्टर 24 की पड़ताल और रोजगार को लेकर खड़े किए गए युवाओं के सवाल आपने देखा। इससे पहले भी हम सेक्टर 18 और सेक्टर 20 की मौके की पड़ताल दिखा चुके हैं। यमुना सिटी की फिल्म सिटी और जेवर एयरपोर्ट की मौके की पड़ताल भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। जिन साथियों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आपको अपने क्षेत्र की खबरों के साथ साथ कामकाजी बाजार की पड़ताल देखने को मिल सके। आगे भी हम आपको यमुना विकास प्राधिकरण, जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी की मौके की पड़ताल और बड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। तो आप दोस्तों देख रहे थे रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल सतीश शर्मा जाफरावदी के साथ। हमारी अगली प्रस्तुति का करें इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार।